वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज आप भाइयों की वजह से मैं धूप के अंदर आया हूँ, इंशाल्लाह आपको वीडियो की अपडेट देने के लिए सोलर की प्लेटों के बारे में और 5 किलोवाट में कितना लोड चल जाता है आपको, ये आज गाइड करते हैं। आ जाए, ये देखें, इस तरह 5 किलोवाट की आपने प्लेटें वगैरह लगा ली ना घर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपने 5 किलोवाट लगा दिया और धूप कंटिन्यू आ रही हो, बेहतरीन हो जाएगा आपका सिलसिला, समझ रहे हैं। इस साइड से आपको दिखा सकता, ये देखें, आपने इस तरीके से प्लेटें आपने लगाई, आराम से 5 किलोवाट की प्लेटें आपने पूरी की सारी, ठीक है। और अब इससे 5 किलोवाट से क्या क्या चीज़ें चलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आ जाए, इस तरीके से 5 किलोवाट पे आपकी ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोटी मैंने ऑफ की हुई है, लाइट जला देता हूँ एक मिनट। ये देखें, टोटली के इलेक्ट्रिक मैंने ऑफ की हुई है, सिर्फ ऊपर से सोलर करंट ऑन है और इन्वर्टर का ये ऑन है, ठीक है। और टोटली करंट सोलर पे चल रहा है। मैंने बैकअप के लिए रात के लिए ये बैटरियाँ ली हुई हैं, 4, ये देखें, बड़ी वाली बैटरियाँ मैंने लगाई हुई हैं। इससे मेरे को रात को डिफ्यूज़र, फ्रिज, घर के पंखे, लाइटें सब सुबह तक चलते रहते हैं 6-7 बजे तक, फिर दोबारा धूप निकल आती है, समझ गए। 5 किलोवाट से आप आराम से ये पानी की मोटर, मोनो ब्लॉक, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी और 1 टन का स्प्लिट एसी इन्वर्टर, वो भी 1 डिफ्यूज़र, 1 फ्रिज, आराम से 3 पंखे, 3 लाइट, 6-7-10 लाइटें, 3 पंखे, 4 पंखे, आराम से आप चला सकते हैं। देखें, अभी भी इस टाइम पे मेरे ख्याल से 4, 4:30 का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और टोटली कनेक्टिव ऑफ है, 0 शो हो रहे हैं और इन्वर्टर पर चल रहे हैं, ठीक है। 5 बजे के बाद आप इसे चेंज कर दें, एसी वगैरह ऑफ कर दें, फ्रिज वगैरह चलते रहें, डिफ्यूज़र चलते रहें, इस तरीके से आपका सिस्टम 5 किलोवाट से ये चीज़ें आपकी आराम से चल जाती हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।